आज का हमारा हाइकिंग डेस्टिनेशन है माटम विलेज हाइकिंग। माटम इस सिक्किम का एक छोटा सा गांव है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे एक्चुअली भूटिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, और जिस होम स्टे में हम रुके हैं उनका ओनर भी, मतलब एक लेडी जो है जेंटलवुमन, वो भी एक भूटिया लेडी है एंड सी इज़ अ राइटर। तो आज हमारा जो होस्ट है उनके साथ निकले हैं माटम विलेज के हाइकिंग के लिए। यहाँ पे छोटा सा गांव है, यहाँ पे एक्चुअली स्टेप कल्टीवेशन होता है, और जब खेती किया जाता है उस टाइम में ये जगह देखने लायक होता है। अभी तो धान का जो कटाई है वो हो चुका है, बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो एट फर्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, एक वाटरफॉल है वो देखने के लिए, फिर विलेज हाइकिंग के लिए निकलेंगे। एंड यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है वो भी शायद देखने के लिए जा सकते हैं। आज का दिन है हमारे पास इस छोटे से गांव का, इस सिक्किम के इस छोटे से गांव माटम को घूमने के लिए।
छोटा सा हाइक था, लगभग 2-3 घंटा, 2 घंटा लग चुका होगा। एंड जगह बहुत ही शांत है, यहाँ पे कुछ भूटिया बस्ती है, 4-5 ठो घर है यहाँ पे, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा। यहाँ पे एक लेडी अभी इस जगह को साफ़ कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही साफ़ करता रहता हूँ, ये हमारा खुद का इलाका है ना। कितना अच्छा होता अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगते। जगह तो हमारे मेट्रो सिटी में ही अपना ही होता है, लेकिन हम तो कचरा फैलाते रहते हैं ना। इस जगह में लोग बहुत कम आते हैं, इसीलिए इस जगह में मुझे अभी तक बहुत ही कम पॉलीथीन्स, जो रैपर्स होते हैं या फिर पॉलीथीन जो प्लास्टिक बॉटल्स, बहुत ही कम देखने को मिला। इट्स वंडरफुल, इस जगह में आके एक अद्भुत शांति मिलता है। इट्स वेरी पीसफुल, और बस इसीलिए मैं चला आता हूँ ऐसे जगह में। नेचुरल अम्ब्रेला, इट्स गुड। ट्रैक ख़त्म हो गया, लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक था, 9 to 10 किलोमीटर ऐसा दिखा रहा है मेरे मोबाइल में अभी। मुझे हम लोगों को लग रहा था एक्चुअली इससे ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे दिखा रहा है 9.7 किलोमीटर।
तो उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि बहुत स्टीप था, एक एक जगह लगभग 60 डिग्री एंगल में उठा था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप। और इस जगह में स्पेशली सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, ये सब जगह में मैंने देखा है, जब भी आप ट्रेक करने के लिए जाओगे तो लीच का बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसको बंगाली में कहते हैं जोक, खून चूस लेता है। मेरा तो लगभग 5 बार मेरे को अटैक कर लिया है। लास्ट हमारा जो लोकेशन था उस जगह में भी किया था, वहाँ पे 3 बार किया था, और आज यहाँ पे किया है एक बार फिर से। नहाने के लिए मैं गया, आने के बाद फिर देखा कि खून ही खून, तो डर जाता है इंसान, इतना खून कैसे निकल सकता है किसी जगह से। अभी मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में मुझे पता कैसे चला। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये जो ट्रिप है ये मैं थोड़ा अननोन प्लेसेस में जाऊँगा, तो सिक्किम इतना छोटा जगह है कि यहाँ पे अननोन प्लेसेस मिलना लगभग नामुमकिन है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं गैंगटॉक के आसपास में कुछ जंगल के अंदर कुछ गांव ऐसे ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं जाके हाइकिंग या फिर ट्रेकिंग कर सकता हूँ। तो मैंने फेसबुक में भी कुछ पोस्ट डाला था होम स्टे का जो ग्रुप्स है उसमें, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया होम स्टे ओनर्स में। तो इन जिनका ये होम स्टे है जो लेडी, उन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप किया था, पहले तो उन्होंने पोस्ट में रिप्लाई किया था, फिर व्हाट्सएप किया था, मेरे को डिटेल्स भेजा, तो उसके थ्रू से हुआ। और पहले मैंने गूगल मैप में उसको चेक किया। तो इस ट्रिप में एक्चुअली मैंने ऐसा किया है कि गूगल मैप एंड गूगल अर्थ से मैंने जगह को लोकेट किया, फिर उस जगह के आसपास में जो भी होम स्टे है गूगल मैप में जिन्होंने पॉइंट आउट किया है और जिनका रिव्यूज़ अच्छा है, उन होम स्टे को मैंने चूज़ किया। और एयरबीएनबी से सिर्फ मैंने इस बार एक ही होम स्टे बुकिंग किया था, वो गैंगटॉक वाला। उसके बाद से जो भी होम स्टे है मैंने डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट किया, मतलब के होस्ट से कॉन्टैक्ट किया, और उनको थोड़ा एडवांस 1,500 रुपये ऐसा कुछ उन्होंने मांगा, ऑनलाइन UPI या गूगल पे के थ्रू से मैंने उनको भेज दिया, बुकिंग कन्फर्म्ड हो गया। तो ऐसे करके मैंने आया। और सिक्किम में पहले भी आ चुका था, तो मुझे पता है कि सिक्किमीज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं, एंड मुझे इतना फिक्र कुछ था नहीं। तो बहुत सारे लोग शायद ऐसे सोच सकते हैं कि एडवांस में दे दिया कोई प्रॉब्लम होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खासकर सिक्किमीज़ जो लोग हैं वो तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम मतलब के करते नहीं हैं, दे आर वेरी ट्रस्ट होती। और अभी इस जगह में आके मुझे मेरा एक्चुअली बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या हुआ कि आज मैं शूट कर रहा था इस कैमरा से, जो है मेरा सोनी का JB-1, तो एक गिर गया, और एक्चुअली स्टैंड करके रखा था मैं। ये जो मूवीज़ में बना रहा हूँ अभी, ये जो ट्रिप का, ये सभी थोड़ा साइलेंट एंड पीसफुल मूवीज़ में बना रहा हूँ, तो मेहनत बहुत लग रहा है मेरे को। और जो मैं कह रहा था, तो ये कैमरा गिर गया, और ये अभी पता नहीं कैसे इसको ठीक करेंगे। ये ऑन ऑफ तो मैं कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है, लेकिन ये लेंस अंदर नहीं जा रहा है। और कल एक्चुअली ड्रोन उड़ा रहा था मैं यहाँ पे, तो इस जगह में मैं ड्रोन उड़ा रहा था यहाँ से, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि ड्रोन का कंट्रोल एकदम ख़राब हो गया। बैकवर्ड जा रहा था ड्रोन, लेकिन फॉरवर्ड नहीं आ रहा था, तो और बैटरी भी ख़त्म होने वाला था। तो बीच में उस साइड में कहीं पे एक जंगल है, तो मैं देख रहा था ड्रोन में कि उसमें जंगल है, तो जंगल से थोड़ा पास में ही, जंगल जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से यहाँ पे स्टेप कल्टीवेशन का शुरुआत होता है, तो ड्रोन का बैटरी लगभग डाउन हो गया था, सिग्नल टूट गया, और वहीं पर जाके गिर पड़ा। बाप रे बाप, और आज ये कैमरा ख़राब हो गया, पता नहीं ये जगह का क्या हो गया मेरे ऊपर। हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें तो ऐसा मतलब कि थोड़ा अनकॉमन सी जगह में जाना है। जैसे आप
चूज करता है गांव वो ओखरे टाइप का ना, वो तो वो डिफरेंट है ना। मैं से बचपन में सोचती थी जैसे चिकन कौन सा चिकन, खासी ना मुर्गी। Difficult to do. Please subscribe this channel. I have to do a lot of work. ये almost भूल ही गया था कि कैमरा मैं यहाँ पे छोड़ के गया हूँ। Took a lot of hard works. नाम क्या है बेटा तुम्हारा? आयुष। हाँ? आयुष। आयुष।